पशुपालकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। तनेरा रोग के कारण लक्षण, उपचार और बचाव के उपाय बताए गए। सिरोही राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानौर की ओर से संचालित पशु विज्ञान केंद्र सिरोही में ऑनलाइन पशुपालकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सुदीप सोलंकी के निर्देशन में डॉक्टर दीपक गिल, डॉक्टर नरसिंहराम गुजर ने पशुओं के तनेरा रोग के कारण लक्षण, उपचार और बचाव के विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण में जानकारी दी। शिविर में डॉक्टर दीपक गिल ने पशुपालकों को बताया कि इस रोग में पशुओं के थन में सूजन आ जाती है, थन गर्म भी रहते हैं तथा कभी कभी पशुओं के थन में दर्द भी रहता है। इस रोग से प्रभावित पशु का दूध कम हो जाता है, समय पर इलाज नहीं मिलने से थन से खराब दूध निकलता है, दूध के साथ साथ कभी कभी खून भी निकलने लगता है। यदि थनेला रोग के लिए आरंभ से ही उचित देखभाल न की जाए तो यह रोग थनों को खराब करके सुखा देता है। रोग युक्त थन छोटा भी हो जाता है, दूध आना बंद हो जाता है, कभी कभी थनों से गंदा बदबूदार थक्के युक्त व खून युक्त दूध आने लगता है। पशुओं में थनेला रोग कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और वातावरण के अन्य कारणों जैसे बारिश के मौसम में अधिक आर्द्रता और उचित तापमान कारण जीवाणु की संख्या में वृद्धि होने के कारण रोग की संभावना बढ़ जाती है। गंदगी, कीचड़ होने के और सफाई में कमी भी कारण हो सकता है।